अलाइना की आंख को क्या हो गया? अलाइना की आंख को क्या हो गया? अलाइना की इतने सारे टॉयज। डालो 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 डालो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जैसे कि आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देखा था, रमजान की तैयारी हमारी हो गई थी और सहरी हो गई थी। सहरी के बाद थोड़ी इबादत की, नमाज पढ़ी, कुरान पढ़ी। तो अभी जो है ना, बच्चों की भी मॉर्निंग हो गई है और हम लोग भी उठ गए थे। सहरी के बाद ना बहुत ही ज़्यादा टायर्ड फील होता है, तो थोड़ी देर सो के उठ गए थे हम लोग। तो अभी आई थिंक जोहर का टाइम हो गया है, तो बस अभी हम लोग, मैं और अम्मी बैठ के नमाज पढ़ रहे थे। और देखिए अलाइना मॉम के पास जाके कितनी ज़्यादा नखरे कर रही थी। तो अलाइना की जो है ना आँख पे ना बहुत ही ज़्यादा सूजन आ गई थी, पता नहीं क्या हो गया था। दो दिन से उसकी आँख पे ना इस तरह से स्वेलिंग आ गई है। आई थिंक वो नॉर्मल है, कम हो जाएगा। मैंने आई ड्रॉप्स डाला था अलाइना को। तो बस हम लोग अलाइना के साथ यहाँ पर खेली खेली कर रहे थे। और उरुज भी फ्रेश अप हो गए थे और गर्मा गर्म पानी नहाकर आ गए थे और अपने बाल सुखा रहे थे यहाँ पे। तो हम लोग ना नमाज़ पढ़ के थोड़ी देर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया। और यहाँ पर देखें, अभी उरुज की जो है ना अपना मी टाइम है, उरुज का मज़े हैं, क्योंकि अभी उरुज के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो हाफ डे से छुट्टी है उरुज की। तो बस अलाइना के साथ थोड़ी देर खेला और अम्मी की यहाँ पर नमाज़ कम्प्लीट हो रही थी। और उसके बाद आज पहला रोज़ा है, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा गुजरा हमारा पहला रोज़ा। आई होप कि आप लोगों का भी बहुत ही अच्छे से गुजरा होगा पहला रोज़ा। तो मुझे ना यहाँ पे चीज़ चाहिए था, मैं भाई को बोल रही थी चीज़ लाने के लिए। तो वहाँ से मॉल से जो है ना मुझे कॉल कर रहे थे और बता रहे थे कि कौन सा चीज़ चाहिए। तो बस यहाँ पर मैं इंस्ट्रक्ट दे रही थी, क्योंकि अभी हमें तैयारी करनी है इफ्तारी की। तो पहली इफ्तारी है हमारी आज रमज़ान की और माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। सब लोग आएंगे, भाई भाभी बच्चे सब लोग, इंशाल्लाह सब लोग मिलकर हम लोग जो है ना आज पहली इफ्तारी जो है ना साथ में करेंगे। बहुत ही मज़ा आने वाला है, व्लॉग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इंशाल्लाह आप लोग ना व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना फ्रेंड्स। जहर की नमाज के बाद जो है ना मैंने पारा पढ़ने बैठ गई थी, तो यहाँ पर मेरा अल्हम्दुलिल्लाह से पहला पारा हो गया आज कंप्लीट। और इंशाल्लाह मैं सोच रही हूँ एक दिन में दो पारे कंप्लीट करूँगी, तो जब तक 15 दिनों में जो है ना मेरी इंशाल्लाह कुरान मुकम्मल हो जाएगी। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा पहला पारा कम्प्लीट हो गया। और अलाइना यहाँ पर सो रही थी, क्योंकि मॉर्निंग उठने के बाद उसने थोड़ी देर खेला और उसके बाद सो गई थी। और उतने में ही असर का टाइम हो गया था और चलिए बच्चों की मस्ती शुरू हो गई। यहाँ पर सब लोग बैठ के जो है ना अलाइना के टॉयज़ के साथ खेल रहे थे, क्योंकि आज इफ्तारी की दावत है ना, तो सब लोग आ गए थे बच्चे भी। और यहाँ पर देखिए परिसा किस तरह से खेल रही है। तो अलाइना के लिए ना मैंने बहुत सारे टॉयज़ मंगाए थे मीशो से, फर्स्ट क्राई से। तो बस ये यहाँ पर ना बच्चे खेल रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। सब बच्चे मिल जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। तो बस ये लोग अपनी मस्ती में लगे थे और देखते ही देखते असर का टाइम हो गया था। असर से पहले ना हम लोगों को इफ्तारी की पूरी तैयारी करनी थी, तो मैंने यहाँ पे सैंडविच के लिए टमाटर काट के रख दिया, प्याज काट के रख दिया। और भाई जो है ना वाटरमेलन लेकर आए थे, तो इसको भी अभी हम कट करेंगे। और चलिए भाभी कट करते हैं। और माशाल्लाह जब वाटरमेलन कट करना होता है, हम लोग यही सोचते हैं कि कैसा होगा, मीठा होगा, लाल होगा, मीठा होगा, लाल होगा। जैसे ही वो वाटरमेलन रेड होगा ना, तो
डेफिनेटली वो मीठा होता है, तो माशाल्लाह देख सकती हैं एकदम रेड कलर, डार्क रेड कलर निकला है, तो ये वाटरमेलन सच में मीठा था। तो बस अभी जो है ना वाटरमेलन कट करके फ्रिज में रख देंगे थोड़ा ठंडा होने के लिए, वरना तो इतना अंदर से गर्म हो रहा था इसलिए इसको ना थोड़ी देर पहले ही कट करके रख दिया था। और बस अभी यहाँ पर मैं सैंडविच का स्टफिंग रेडी कर रही थी, और यहाँ पर मैंने सारे वेजेस काट के डाल लिए थे, जैसे कि प्याज, टमाटर और कैप्सिकम डाला था मैंने, और इसके अंदर मैंने वाइट मेयोनेज डाला था, नॉर्मल मेयोनेज जो आता है, और उसके साथ में यहाँ पर थोड़ा सा टैंगी फ्लेवर के लिए ना ये तंदूर मायो डाल रही हूँ, और उसके बाद थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, और उसके बाद मैं यहाँ पर रेड चिली सॉस ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा तीखापन आएगा ना तो अच्छा रहेगा, चटपटा रहेगा। तो ये मैंने थोड़ा सा ऐड कर लिया केचप, और उसके बाद मैं ऐड करने वाली हूँ ये पिज्ज़ा मिक्स। ये पिज्जा मिक्स डालने से ना सैंडविच में काफी अच्छा टेस्ट आता है, तो मैं इसमें फटाफट से ये डाल लेती हूँ। आप चाहे तो स्टफिंग के अंदर ही मिक्स कर सकते हैं, या फिर सारे वेजेस डालने के बाद सैंडविच के ऊपर से आप ऐड कर सकते हैं, बट मैंने सोचा कि इसको डायरेक्ट सारी चीज़ों के साथ मिक्सअप कर लेते हैं, वरना टाइम भी सेव हो जाएगा और हम लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि सिर्फ किचन में ही हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया अभी, क्योंकि फटाफट से ये सारी चीज़ें बनाकर अभी असर की नमाज भी तो पढ़नी है ना फ्रेंड्स। तो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हमारा इबादत में गुजरे, ना कि पकवानों में। सो यहाँ फटाफट से जो है ना मैंने बॉईल कर लिए थे कॉर्न, स्वीट कॉर्न, तो मैं इसको ऐड कर रही हूँ, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसको स्टोर करके फ्रिज में भी रख सकते हैं, और इफ्तारी के टाइम डायरेक्ट इसको जो है ना सैंडविच मेकर में बनाकर खा सकते हैं गर्मा गर्म। तो इवन आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं आराम से एक दो दिन के लिए। और इसके अंदर अभी मैं ऐड कर रही हूँ वेज मेयोनीज, तो ये भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर देगा सैंडविच में, तो ये कंपलसरी ऐड करना है। और उसके बाद थोड़ा सा टैंगी फ्लेवर के लिए मैं यहाँ पे टोमेटो केचप ऐड कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा चिली सॉस भी हो गया, थोड़ा टोमेटो केचप होगा तो उसको उसको बैलेंस करेगा ये। तो फ्रेंड्स ये होगी हमारी सैंडविच की स्टफिंग रेडी। तो चलिए अभी उसके बाद बाकी के जो भी पकवान है उसकी तैयारी देख लेते हैं, एंड उसके बाद जो है ना मुझे नमाज की भी तैयारी करनी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा सैंडविच स्टफिंग हो गया कम्प्लीटली रेडी। वैसे अभी असर की नमाज का टाइम था, तो मैंने सोचा कि फटाफट से और जो चीज़ें मैं लेकर आई थी वो सारी चीज़ें निकालूँ। तो सबसे पहले जो है ना मैं फ्रूट्स वगैरह निकाल के इसको वॉश करने के लिए रख देती हूँ। तो यहाँ पर ग्रीन वाटरमेलन भी है और वो वाला वाटरमेलन भी है, मुझे तो ये वाला काफ़ी अच्छा लगता है, इसमें थोड़ा ना स्वीटनेस ज़्यादा होता है। और यहाँ पे हम लोगों ने मंगाए थे बनानास और फ्रूट्स, और यहाँ पर है चीकू, ऑरेंज, और ना अभी अभी मैंगो भी निकले हैं स्टार्टिंग में, तो देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। और ये है कीमिया डेट्स, और देख सकते हैं फुल पैक है। एंड उसके बाद जो है ना यहाँ पर है ग्रेप्स और चीकू है, तो सारी चीज़ें निकाल कर इसको पानी में डाल के रख देते हैं, तो फटाफट से इफ्तारी में खाने के लिए रेडी रहेंगे। मुझे तो स्पेशली सारे फ्रूट्स में से ना मैंगो बहुत पसंद है, और वाटरमेलन बहुत पसंद है, ग्रेप्स बहुत पसंद है, मतलब ऑलमोस्ट सारे फ्रूट्स पसंद है। और देख सकते हैं यहाँ पे आज ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला मुझे समोसा बनाने के लिए, और यहाँ पर मैंने ये वाला मिल्की मिस्ट का पिज़्ज़ा मोज़रेला चीज़ मिक्स मंगाया था, क्योंकि वो वाला नहीं मिल रहा था अमूल का, तो मिल्की मिस्ट का भी काफ़ी अच्छा होता है। और ये देखें अभी अभी स्टार्टिंग में ना आए हैं मैंगोज़, देखते हैं इनका टेस्ट कैसा है। आई थिंक इतना अच्छा नहीं होगा, पहले एक दो बारिश हो जाएगी तो फिर अच्छे से होगा। और यहाँ पर असर का टाइम हो गया था और जानी मास लग चुकी है, एक भाभी की, एक मेरी, एक अम्मी की। तो चलिए फटाफट से नमाज पढ़ के आपसे मिलती हूँ फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स अभी हमारी असर की नमाज हो गई थी, तो मैं फटाफट से सैंडविच बना रही थी। तो सैंडविच के लिए मैं ये वाला ब्रेड यूज करती हूँ, और यहाँ पर भाई को मैंने काम लगा दिया था, वो भी अभी नमाज पढ़कर आ गए थे, तो यहाँ पर उनको फ्रूट कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर बिठा दिया था। तो चलिए अभी भाई फ्रूट कट कर लेते हैं और मैं फटाफट से सैंडविच बना लेती हूँ। तो यहाँ पर स्टफिंग जो मैंने प्रिपेयर की थी ना ब्रेड के अंदर स्लाइसेस के ऊपर, मैंने इस तरह से स्प्रेड कर लिया है,
दूसरे ब्रेड के ऊपर हम केचप लगाएंगे और इस स्टफिंग के ऊपर ना आप चीज़ डाल सकते हैं, काफ़ी टेस्ट अच्छा आएगा इसका। और चाहे तो आप इसके ऊपर पिज़्ज़ा मिक्स भी स्प्रेड कर सकते हैं। तो इसको मैं ऐड करने के बाद इसको बनने के लिए मैं रख दूंगी सैंडविच मेकर में। और जब तक यहाँ पर भाभी हमारे तल रहे थे गर्मा गर्म पकौड़े, प्याज के पकौड़े, तो हमारे भाभी यहाँ पर प्याज के पकौड़े बना रहे हैं, मैं सैंडविच बना रही हूँ, भाई फ्रूट कट कर रहे हैं, मतलब सब लोग एक एक कामों में लगे थे। काफ़ी मज़ा आता है टीम वर्क करने में ना रमज़ान में। तो सब लोगों को घर में जितने भी मेंस हैं उनको भी लेडीज़ की हेल्प करनी चाहिए। तो यहाँ पर देखें अभी भाभी जो है ना प्याज के पकौड़े बना लिए थे उन्होंने, तो अभी बना रहे आलू के पकौड़े ऑन डिमांड वासिक भाई। तो वासिक भाई को आलू के पकोड़े पसंद है तो वो उनके लिए बना रहे हैं और मैंने यहाँ पर सैंडविच कर लिया था प्रिपेयर। तो चलिए अल्हम्दुलिल्लाह ही देखते हमारा इफ्तार का टाइम हो चुका है और हमारा दस्तरखान लग चुका है। माशाल्लाह माशाल्लाह दस्तरखान पे तो बहुत ही रौनक लगी थी। मेरे तीनों भाइयों बैठे थे और बच्चे बैठे थे माशाल्लाह यहाँ पर, परीसा, उरूज। और ये जो रमज़ान है अलाइना के साथ मेरा पहला रमज़ान है माशाल्लाह, अलाइना का फर्स्ट रमज़ान है और अलाइना बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी माशाल्लाह। तो देखिए अब सब लोग बैठ कर दुआ कर रहे थे क्योंकि इफ्तारी से पहले जो दुआ करते हैं ना वो अल्हम्दुलिल्लाह कबूल होती है रोज़दार की। और बस देखते ही देखते हमारे इफ्तार का टाइम हो गया था और हम सब लोगों ने मिल के रोज़ा इफ्तारी की। और आप लोगों का भी रोज़ा बहुत ही अच्छा गुजरा होगा माशाल्लाह। अल्लाह हमारे घरों में बरकत अता करें और रमज़ान में हर ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करें। और देखते ही देखते हम लोगों ने नमाज अदा कर ली और रात के टाइम पे हम लोगों ने हरीस इंजॉय की। बस ये था हमारा फर्स्ट इफ्तार का व्लॉग, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।